नमस्कार, मैं डॉक्टर राशि होप आयुर्वेदिक मेडिसिंस प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली में एज ए मेडिकल ऑफिसर कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे होप आयुर्वेदिक मेडिसिंस के डायबिटीज़ में होने वाली उपचार पद्धति में होने वाली उपयोगिता के बारे में। आगे बढ़ते हुए कि होप आयुर्वेदिक मेडिसिंस हैं क्या। एक्चुअली होप आयुर्वेदिक मेडिसिंस की जो औषधियाँ हैं ये पूरी तरह 100% नेचुरल, हर्बल और ऑर्गेनिक है। इसका मतलब ये जो औषधियाँ तैयार की गई हैं ये पूरी तरह मेडिसिनल प्लांट्स के पत्तों के इस्तेमाल से बनाई गई हैं। इसमें उपयोग की गई औषधियाँ बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली हैं एवं उनके अनेक गुणधर्म हैं। इसी कारणवश ये औषधि डायबिटीज़ एवं अन्य रोगों की रिकवरी में बहुत ही लाभप्रद है। यह औषधि पेटेंट, FDA अप्रूव्ड और GMP अप्रूव्ड है। यह औषधि बिना किसी केमिकल, स्टीरॉयड या मेटेलिक कॉम्पोजिशन के तैयार की गई है। इसी कारणवश यह औषधि कम मात्रा में अधिक प्रभावशाली है। यह औषधि किसी भी प्रकार की पैथी के साथ उपयोग में लाई जा सकती है। इसमें कोई भी ड्रग इंट्रैक्शन नहीं है, ना ही इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं। यह औषधि किसी भी वय वर्ग में इस्तेमाल में लाई जा सकती है। इसमें कोई डाइट रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। अब बात की जाए कि डायबिटीज़ है क्या। जब शरीर के पेंक्रियाज में ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई की कमी हो जाती है तो पेंक्रियाटिक बीटा सेल उचित रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं, जिसके फलस्वरूप इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे खून में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। इसी स्थिति को डायबिटीज़ कहते हैं। आयुर्वेद में इस स्थिति को मधुमेह के नाम से जाना जाता है। यह बीमारी अनुवांशिक अर्थात हेरिडिटरी भी हो सकती है या खराब लाइफस्टाइल के कारण भी हो सकती है। इस बीमारी के अपने दुष्प्रभाव भी हैं। इन दुष्प्रभावों में सबसे मुख्य दुष्प्रभाव है हमारी इम्यून सिस्टम का खराब हो जाना। खराब इम्यून सिस्टम के कारण बॉडी वेट का लॉस होना, वीकनेस होना, लिथार्जीनेस होना या स्लीपीनेस होना बहुत ही कॉमन है। साथ ही साथ ये हमारे ब्लड पैरामीटर्स को भी इफेक्ट करता है, जिसके कारण हार्ट अटैक, किडनी डिसऑर्डर, ब्रेन हैमरेज और पैरालिसिस जैसी बीमारियाँ बहुत ही कॉमन है। साथ ही साथ विजन लॉस, मेमोरी लॉस भी देखा जाता है। यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी बहुत होती हैं। रात में बार बार यूरिनेशन की फ्रिक्वेंसी होना बहुत ही आम हो जाता है। यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन और इचिंग बहुत ही आम तौर पर देखने को मिलती है। हमारे एपिटाइट लॉस और डाइजेस्टिव सिस्टम का खराब होना बहुत ही कॉमन हो जाता है। स्किन में एलर्जी होना या पिगमेंटेशन होना भी दिखाई देता है। वूंड हीलिंग में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है डायबिटीज़ के पेशेंट को। लेकिन अगर इन्हीं सभी सिचुएशन में या डायबिटीज़ के प्रथम स्टेज पर ही होप आयुर्वेदिक मेडिसिंस को एलोपैथिक मेडिसिंस के साथ इस्तेमाल में लाया जाए तो इसमें रिकवरी रेट बहुत ही जल्दी होता है। इसकी रिकवरी बहुत ही स्पीडी होती है, रिकरेंस रेट बहुत कम हो जाता है। होप आयुर्वेदिक मेडिसिंस सबसे ज़्यादा हमारे इम्यून सिस्टम पर काम करता है। यह हमारे बॉडी में जाकर वहाँ पे ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ा देता है, जिससे हमारे सेल्स नरिश हो जाते हैं और वह उचित रूप से कार्य करने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। इम्यूनिटी बूस्ट होने के कारण वेट गेन होना, वीकनेस का कम होना, लिथार्जीनेस का कम होना और लिथार्जीनेस के कम होने के कारण स्लीपीनेस का कम होना दिखाई देता है। यह हमारे ब्लड पैरामीटर्स को भी नॉर्मल रेंज में ले आता है, जिससे हार्ट अटैक का कम होना, पैरालिसिस, किडनी डिजीज और ब्रेन हैमरेज जैसी डिजीजेस बहुत कम हो जाती हैं। इसके वजह से विजन में भी इम्प्रूवमेंट होता है, मेमोरी में भी इम्प्रूवमेंट होता है। हमारी यूरिन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी बहुत कम हो जाती हैं। यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन और इचिंग बहुत ही मिनिमाइज हो जाती है। अगर होप आयुर्वेदिक मेडिसिंस का लॉन्ग टर्म यूज़ किया जाए तो डायबिटीज़ भी बहुत हद तक कम हो जाती है। यह औषधि ना सिर्फ इसी डिजीज़ में काम करती है बल्कि यह औषधि कैंसर, रिमेटेड आर्थराइटिस, HIV, डिप्रेशन, थायराइड जैसी बीमारियों में भी बहुत ही लाभप्रद है। संस्कृत में एक श्लोक है, पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही एतत् सर्वम पुनर्लभ्यम ना शरीरम पुनः पुनः, जिसका अर्थ होता है कि इस जीवन काल में हम सब कुछ वापस पा सकते हैं। हमारी धन संपत्ति, हमारे मित्र, हमारे अपने,
बस जो हम वापस नहीं पा सकते हैं वो है हमारा शरीर, हमारा स्वास्थ्य। इसलिए आप सब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें। अधिक जानकारी के लिए और डॉक्टर से परामर्श के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है hopeayurved@gmail.com और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7303084725 7267। धन्यवाद। मैम आपका नाम क्या है? मैं अनुजा वलसांकर। आप कहाँ से आए हो? मैं सेनापति बापड़ रोड पुणे से आई हूँ। अच्छा, तो आपको कौन सी बीमारी है? मुझे डायबिटीज है। पिछले 2 साल से मैं डायबिटीज से परेशान हूँ। डायबिटीज की वजह से मुझे बहुत थकान महसूस होती थी और मुझे बहुत कमजोरी भी थी। मुझे पेशाब की समस्या भी हो रही थी और उसकी वजह से मुझे रात को बार बार उठना भी पड़ रहा था और मेरा HbA1c लेवल भी 9.3 तक बढ़ गया था। लेकिन जब मैंने होप आयुर्वेदिक मेडिसिन की दवाई लेनी शुरू की तो मुझे 8 दिनों के भीतर ही जबरदस्त बदलाव दिखाई दिया और मुझे धीरे धीरे बेहतर महसूस होने लगा। मैं कई चीज़ों को भूल जाती थी लेकिन इस दवा को लेने के बाद मैंने देखा कि मेरी खोई हुई शक्ति बढ़ गई है और दवाई लेने की वजह से मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ गया है और मेरा HbA1c लेवल भी 6.3 पे आ गया है। मैं बहुत स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। तो मैम, जिन लोगों को डायबिटीज है उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगी? मैं खुशी से होप आयुर्वेदिक दवा लेने का सुझाव दूंगी। आप निश्चित रूप से खुद में बदलाव पाएंगे और अपनी सभी स्वास्थ्य समस्याओं से राहत पाएंगे और खुशी से जी पाएंगे। सर, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हो? मेरा नाम उत्तम पंडित बादोगड़े है। मैं केसनन तालुका हवेली से हूँ। आपका क्वालिफिकेशन? मैंने अपना BA पूरा कर लिया है और मैं सिंचाई विभाग में काम करता हूँ। तो मुझे बताइए कि आपको कौन सी बीमारी है? मुझे पिछले 10 वर्षों से मधुमेह है। इस बीमारी की वजह से आपको कौन सी परेशानियाँ होती थी? मेरे हाथ पैर सुन्न हो जाते थे, मुझे कमजोरी और थकान महसूस होती थी। मैं काफ़ी समय से असहाय था। मैंने अपनी जीने की इच्छा शक्ति खो दी थी और मैं बहुत परेशान रहता था और मेरी नींद भी पूरी नहीं होती थी। और आपका आत्मविश्वास? हाँ, और मेरा मनोबल भी कम हो चुका था। तो क्या उस दौरान आपकी शुगर लेवल नॉर्मल रहती थी? जब मैंने आपकी होप दवा ली तब मेरी शुगर मात्रा सामान्य हो गई थी और मैं काफ़ी अच्छा महसूस करने लगा। तो मुझे बताइए कि क्या आपका वजन कम हुआ? हाँ, मेरा वजन भी काफ़ी कम हो चुका है और मैं तंदुरुस्त महसूस करता हूँ। तो क्या आपकी शुगर नॉर्मल है? हाँ, मेरी शुगर मात्रा भी अब काफ़ी सामान्य है। मैं स्वस्थ महसूस करता हूँ और आपकी होप आयुर्वेदिक दवा लेने की वजह से मैं अब खुश हूँ। तो जिन्हें डायबिटीज़ है आप उन्हें क्या बताओगे? मैं ये कहूँगा कि जिन लोगों को मधुमेह है वो होप आयुर्वेदिक दवा ले ले, वो निश्चित रूप से आपकी मदद करेगा। ये दवा के इस्तेमाल से मैं बहुत खुश हूँ, आप भी खुशहाल महसूस करेंगे। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम नूतन सोरटे है। आप कहाँ से आए हो? मैं संगमवाड़ी से हूँ। और मैम आपको कौन सी बीमारी है? मुझे पिछले 20 सालों से डायबिटीज की बीमारी है। मैंने एलोपैथी की दवाई ली फिर भी मेरा शुगर कम नहीं हो रहा था, वो 550 तक बढ़ गया था। मैम क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपको डायबिटीज की वजह से क्या क्या परेशानियाँ हुई? उसकी वजह से मुझे यूरिन इन्फेक्शन हो गया था और नींद भी नहीं आती थी, मुझे भूख भी नहीं लगती थी और उसकी वजह से मुझे खाना भी नहीं जाता था। मुझे बहुत थकान महसूस होती थी, मुझे इतनी परेशानी होती थी कि मुझे लगता था कि मैं अपनी जान दे दूँ और मैंने कोशिश भी की थी। और पिछले 1 साल से मैंने होप आयुर्वेदिक दवाई ली है, उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है और ये दवाई लेने की वजह से मुझे और एक नया जीवन मिल गया है, मेरी जीने की आशा भी बढ़ गई है। तो क्या अभी आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो गई है? जी हाँ, मेरी सारी समस्याएं दूर हो गई है, अब मैं अच्छा जीवन जी रही हूँ। तो क्या इसकी वजह से आपका आत्मविश्वास बढ़ गया? हाँ है? हाँ, मेरा आत्मविश्वास भी बहुत बढ़ गया है और मुझ में तंदुरुस्ती भी बहुत आ गई है। तो मैम जिन लोगों को डायबिटीज है आप उन्हें क्या बताना चाहोगे? मैं जिन्हें डायबिटीज है उनको कहूँगी कि वो अपने एलोपैथिक दवाई के साथ होप आयुर्वेदिक दवाई भी लें, आपको निश्चित रूप से इसके परिणाम दिखाई देंगे, आपकी सेहत भी सुधर जाएगी। तो क्या आप कहेंगे कि आपको इस दवाई के परिणाम बहुत जल्दी दिखाई देने लगे? हाँ हाँ, तीसरे दिन से ही मुझे बहुत फर्क महसूस होने लगा और मेरी शुगर की मात्रा भी कम हो गई।